हेलो एंड वेलकम टू पूर्वाज किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हैसलबैक पोटैटोस, जो कि एक बेक पोटैटोस की रेसिपी है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारा वेट मैनेज करने में हेल्प करते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और बनाने में भी बहुत सिंपल हैं। आइए बनाना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले हम पोटैटोस को लेंगे, रॉ पोटैटोस हैं, उनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इनको कट करेंगे इस तरीके से कि दो स्टिक्स लेके हम एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि पोटैटोस लगभग 3/4 तक कट हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से पूरा पोटैटो कट कर लेंगे। अब देखिए इनके कट। अब ये पोटैटो मैरिनेशन के लिए रेडी है। अब हम इसके लिए मैरिनेशन प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमने मेल्टेड बटर लिया है, वो आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। अब इसके अंदर हमें क्रश्ड गार्लिक ऐड करना है, थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे और 1 teaspoon ग्रेटेड जिंजर ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। अब एक बेकिंग ट्रे लेके उसके ऊपर हम एक शीट रखेंगे और इस तरीके से पोटैटोस को प्लेस कर देंगे। अब एक ब्रश की हेल्प से सारे पोटैटोस के ऊपर मैरिनेशन अच्छे से अप्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो सारे कट्स में अंदर तक चला जाए। अब ये बेक होने के लिए रेडी हैं। अब हम इनको आधे घंटे के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इन्हें फिर से ओवन से निकाल के दोबारा से एक बार फिर से अच्छे से मैरिनेशन ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से इसे 25 से 30 मिनट्स के लिए ओवन में बेक होने के लिए डाल देंगे। और ये देखिए, आपके हैसलबैक पोटैटोस रेडी हो गए हैं। कि आप देख सकते हैं, हैसलबैक पोटैटोस एक बहुत ही क्रिएटिव डिश है और ये देखने में भी बहुत इंप्रेसिव लगती है। और साथ ही पोटैटोस ये हाई फाइबर हैं जो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और आप एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आप जब मैरिनेशन कर रहे हैं, अगर आप स्पाइसेस कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्पेशली जब आप छोटे बच्चों के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप स्पाइसेस कम रखें, या कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आप इन्हें एपेटाइजर के तरीके से सर्व करें और आप इसके साथ कोई भी डिप या सैलड सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे ट्राई करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.